नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सवरंग कार्यक्रम में। मित्रों, भागवत कथा हम सब ने बचपन में सुनी हुई है, टेलीविज़न में आज की पीढ़ी ने देखा है। उसमें अनेक शिक्षाओं में से एक सुंदर सी शिक्षा जो प्रभु हमें देना चाहते हैं वो ये, गोवर्धन पर्वत उठाते समय उन्होंने न केवल अपनी उंगली लगाई लेकिन सभी की उंगलियाँ लगवाईं, ये सिखाने के लिए कि सबके सहयोग से ही कोई भी कार्य सहज सरल हो जाता है। वो चाहते तो अकेले ही गोवर्धन पर्वत को उठा सकते थे, लेकिन उन्होंने सर्व के सहयोग से ये कार्य किया। वास्तव में कोई भी कार्य यदि सबका सहयोग प्राप्त होता है तो बहुत आसान हो जाता है। ब्रह्मा कुमारीज ने 1987 में एक सुंदर सा प्रोजेक्ट चलाया था वर्ल्ड वाइड, और प्रोजेक्ट था सर्व के सहयोग से सुखमय संसार, जिसमें सभी सम्मिलित हुए और सभी ने एक मत से स्वीकार किया कि सचमुच जब सभी अपनी अपनी उंगली लगाएंगे, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने कार्य में दक्षता लाएंगे, उसमें अध्यात्म को सम्मिलित करेंगे, तभी संसार को सुखमय बनाया जा सकता है, बेटर बनाया जा सकता है, राम राज्य बनाया जा सकता है। तो सर्व के सहयोग से हम अपने कार्य को कैसे सहज सरल कर सकते हैं, यही है आज का सुंदर सुवाक्य। सर्व की शुभ भावना और सहयोग की बूंद से बड़ा कार्य भी सहज हो जाता है। बड़ी सी पहाड़ी को बर्फ की चादर से आच्छादित करना, बंजर जमीन को जल से प्लावित करना, अनंत फैले हुए समंदर में लहरों का आगे बढ़ना, क्या ये कोई साधारण घटनाएं हैं? क्योंकि पहाड़ ने बर्फ, जमीन ने जल और सागर ने लहरों को अपना बनाया, उनके साथ हाथ मिलाया सहयोग का। जब हमें समाज में कोई भी कार्य को सफल बनाना होता है तो हमारा प्रधान उद्देश्य सर्व मंगल होना चाहिए, और यही सोच हमें दूसरों से मदद और सहयोग की प्राप्ति कराएगी। परिवर्तन जैसा बड़ा कार्य तभी सफल होगा जब स्व से सर्व का रास्ता शुभ मंगल के बूंद बूंद से भरपूर होकर सागर की लहरों जैसे प्रवाहित होगा। एक सहयोग आजकल के वातावरण में बरसात में हम अवश्य प्रदान करें सभी को, वो ये कि आसपास स्वच्छता बना करके रखें। जहाँ कहीं भी देखें कि गंदगी है या पानी जम रहा है, वहाँ सफाई रखें, ताकि होने वाली जो बीमारियाँ हैं, चाहे वो इन्फेक्शन के रूप में हो, बुखार के रूप में हो, सर्दी खांसी के रूप में हो, हम इससे बच सकते हैं। तो स्वयं भी जागरूक रहें और औरों को भी जागरूक करते चलें। चिकनगुनिया एक ऐसी ही आजकल के मानसून के समय होने वाली तकलीफ है, कैसे उसे रखरखाव या बचाव किया जा सकता है, उस पर ही आज सुंदर प्रकाश। चिकनगुनिया एक वायरल इन्फेक्शन है और वो रेनी सीजन में ज़्यादा पाया जाता है, ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में पाया जाता है जहाँ पर ह्यूमिडिटी और गर्मी ज़्यादा होती है। ऐसे कंट्रीज़ में मॉस्किटोज की संख्या बढ़ती है और एडीज नामक मॉस्किटो बाइट से, जो इन्फेक्टेड एडीज मॉस्किटो है, वो जब पर्सन को बाइट करता है तो चिकनगुनिया की बीमारी होती है। चिकनगुनिया एक वायरस होने के कारण वो लीवर पर और जॉइंट्स पर, मसल्स पर और सीएनएस सिस्टम तक भी पहुंचता है। उसके कारण हाई ग्रेड फीवर आता है और दूसरा मेन उसका जो लक्षण है वो है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस माना जो हमारे जॉइंट्स है उनको सूजन आती है और उसमें दर्द होता है। सूजन के कारण उसमें लालिमा भी आ जाती है, हाथ लगाने से टेंडरनेस भी आ जाता है। मेन हमारे जो एंकल जॉइंट है, नी जॉइंट है, जो बड़े जॉइंट्स हैं वो चिकनगुनिया में अफेक्ट होते हैं। तो उसका मेन ट्रीटमेंट हमने देखा है कि आर्थराइटिस हफ्ते से लेके तीन तीन साल तक भी पेशेंट में पाया जाता है, और उसमें हम एनाल्जेसिक एंटी इन्फ्लेमेटरी NSAID ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, फिजियोथेरेपी और मसाज का भी इसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। तो अब हम प्रिवेंशन के बारे में सोचते हैं, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर।
तो हमें अपने रेनी सीजन में अपने घर और ऑफिसेस को क्लीन रखना है, वहाँ पानी को ज़्यादा इकट्ठा होने नहीं देना है। कूलर्स में केरोसिन का भी ऑयलिंग हम कर सकते हैं, उससे मॉस्किटो का ब्रीडिंग नहीं होगा। दूसरा है, हम मॉस्किटो रिपेलेंट्स का यूज़ कर सकते हैं ट्रैवलिंग के टाइम पर, जहाँ पर मॉस्किटोज मिलते हैं। अलग अलग के प्रकार के मॉस्किटो रिपेलेंट प्रोडक्ट्स बाज़ार में अवेलेबल है, ऑइंटमेंट के फॉर्म पे, प्लग के फॉर्म पे, फैब्रिक पे लगाने वाले भी है। और तीसरा, हम अपने बॉडी को कवर रखें, जितना हो सके फुल स्लीव्स हमारे हो, पैंट फुल हो, ताकि स्किन पर मॉस्किटो बाइट ना हो, और हमारे कपड़े भी ढीले हो और कलर भी उसका डार्क ना हो, कारण मॉस्किटो अट्रैक्ट होते हैं कलरफुल कपड़ों पर। तो इस प्रकार हम कुछ सावधानियां बरतकर इन रेनी सीजन में होने वाले बीमारियों से अपने को बचा सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। मुझे याद आता है एक सुंदर सा प्रसंग कि एक बुजुर्ग महिला थी, जीवन भर की पूंजी, वो एक फ्लैट लेना चाहती थी। उनका स्वप्न था कि मैं फ्लैट लूं, और उन्हें पसंद भी आया फ्लैट। उन्होंने पूरी कोशिश कर ली, लेकिन उन्हें वो फ्लैट नहीं मिल पाया। बहुत उन्होंने पूजा अर्चना की थी, ईश्वर से मन्नत मांगी थी, फिर भी नहीं मिल पाया। और जब नहीं मिला तो ईश्वर को कोसने लगी, नाराज हुई। 2 मास के बाद पता चला कि घनघोर वृष्टि में, बरसात में, वो जो बिल्डिंग थी वो ढह गई। कितना कल्याण होता है, कितनी अच्छी चीज़ होती है। और हम यदि पेशेंस नहीं रखते हैं, उसी घड़ी को देखते हैं जिस घड़ी में हम रह करके चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो वाई वाई करते करते जीवन दुखमय हो जाता है। इसीलिए आज हमारे साथ जो कवि मनोज जी हैं, वो वाह जिंदगी वाह इस पर सुंदर काव्य रचना लेकर आए हैं। आइए सुनते हैं, आनंद लेते हैं। मित्रों, आप सभी को मनोज खुशनुमा का प्रणाम, ओम शांति। किन विचारों को कर्म मिलाने से जिंदगी हो जाती है वाह वाह, बताती है ये कविता वाह जिंदगी वाह। सीख लिया जिसने मुस्कुराना गीत जिंदगी का गुनगुनाना, सीख लिया जिसने मुस्कुराना गीत जिंदगी का गुनगुनाना, नहीं उस जैसा कोई सियाना, मुस्कुरा के कहती है उसकी निगाह वाह जिंदगी वाह वाह जिंदगी वाह। हर पल जिसने जिंदगी से सीखा कुछ नया, परोपकार जीवन का लक्ष्य बना लिया, खुशियों से सबकी जो झोली भरता गया, दुविधा में दे सबको सच्ची सलाह, दिल गाए उसका वाह जिंदगी वाह वाह जिंदगी वाह। समझ लिया जिसने ये सृष्टि चक्र चलने को, हर रात के बाद एक नया दिन निकलने को, सदा तत्पर रहता वो खुद को बदलने को, आबाद रहे उसकी जिंदगी की राह, दिल गाए उसका वाह जिंदगी वाह वाह जिंदगी वाह। ना डरा ना टूटा ना थका ना रुका, आसमां भी जिसके इरादों से झुका, सफलता को अपनी पहचान बना चुका, कठिनाइयों की कभी ना करके परवाह, दिल गाए उसका वाह जिंदगी वाह वाह जिंदगी वाह। संसार के मेले में, जिंदगी के झमेले में, चाहे रहा भीड़ में चाहे हो अकेले में, ईश्वर को साथी बनाया हर बेले में, निर्भयता की उसने पाई है पनाह, दिल गाए उसका वाह जिंदगी वाह वाह जिंदगी वाह। किस्मत और कर्म में तालमेल बनाया, फिर जो दिया जिंदगी ने मुस्कुरा के पाया, संतोष रूपी सच्चा धन बेहद कमाया, ना समय ना श्वास व्यर्थ किए खाम कहा, दिल गाए उसका वाह जिंदगी वाह वाह जिंदगी वाह। सद्गुण के पुष्पों से जीवन महकाया, अवगुण बुराइयों से खुद को बचाया, राजयोग से जिसने आत्म बल को बढ़ाया, दिल और दिमाग का वो बना बादशाह, दिल गाए उसका वाह जिंदगी वाह वाह जिंदगी वाह। सत्य की राह का जो रहा सदा अनुयायी, आंधियों तूफानों से न हार कभी खाई, श्रेष्ठ भूमि का ही अपनी सृष्टि मंच पर निभाई, पाई उसने शिव की अनुकंपा अथाह, दिल गाए उसका वाह जिंदगी वाह वाह जिंदगी वाह। इस धरा पे स्वर्ग रचने प्रभु है पधारे, मिल रहे प्रभु से वो प्रभु है जिनको प्यारे, परमार्थ से अब खुल रहे हैं सर्व भाग्य द्वारे, खुशनुमा हर जिंदगी है इसकी गवाह, दिल गाए सबका वाह जिंदगी वाह वाह जिंदगी वाह। मुस्कुरा कर कहती है हर वो निगाह वाह जिंदगी वाह वाह जिंदगी वाह। धन्यवाद, प्रणाम। मित्रों, वाह वाह करते हुए कौन नहीं जीना चाहता।
अपने जीवन के हर पल में व्यक्ति खुशी ही चाहता है, आनंद ही चाहता है, अर्थात वाह वाह ही चाहता है। लेकिन जैसे बात हो रही थी नज़रिए की, वो बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है। ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय में नज़रिए का ऑपरेशन किया जाता है। उस हॉस्पिटल में तो नज़र का ऑपरेशन होता है, लेकिन यहाँ नज़रिए का ऑपरेशन होता है। और इस ऑपरेशन के बाद सब कुछ बेहतर दिखाई देने लगता है। और ब्रह्मा कुमारियाँ इसीलिए अलग अलग कार्यक्रम करती रहती हैं ताकि सबके नज़रिए को बहुत ही शुद्ध, आध्यात्मिक बनाया जा सके, सकारात्मक बनाया जा सके। ऐसा ही एक सुंदर कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में किया गया, एक सुंदर भव्य संत सम्मेलन, जिसमें देश भर के नामी ग्रामी संतों ने हिस्सा लिया और सुंदर नज़रिया कैसे जीवन में आए, जीवन जीने की कैसे कला सीखी जा सकती है, उस पर सुंदर चर्चा हुई। आइए देखते हैं पीस न्यूज हाइलाइट्स में इस कार्यक्रम की एक झलक। हिमाचल प्रदेश कैलाश मानसरोवर के राजीव भवन मुतराल में संत सम्मेलन हर्षोल्लास से मनाया गया। संपूर्ण हिमाचल प्रदेश की कई संस्थाओं से भी माननीय परम पूजनीय संत भाइयों ने भाग लिया। ये संत सम्मेलन ब्रह्मा कुमारीज पालमपुर की शाखा में पहली बार इस तरह का कार्यक्रम हुआ, जिसमें 20 संत भाई उपस्थित हुए। रामकृष्ण आश्रम अन्नपूर्णा मंदिर के अध्यक्ष, अखिल भारतीय संत समिति श्री श्री 1008 महंत राम मोहन दास सीताराम जी, आश्रम उतरौला रोड बैजनाथ श्री गोपीलाल नंदन सरस्वती एवं गायत्री परिवार के सदस्य निरंकारी मिशन संत बाबू ने स्वर्गिरी महाराज, जूना अखाड़ा हरिद्वार से भी संत के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए और अनेक संतों ने जनसमूह को अपनी वाणी से संबोधित किया। इस कार्यक्रम में सभी संतों और महात्माओं ने कहा कि हम एक ही पिता के बच्चे हैं और हम सभी एकमत एकजुट होकर परमात्मा के कार्य में लगे हैं। संतों का जीवन संपूर्ण मानवता के लिए आदर्श है, क्योंकि आज की दुनिया को देखकर लगता है कि कहीं पर आग तो कहीं ज्वाला, न जाने दुनिया क्या होने वाला। ऐसे में संत समाज धर्म रक्षक है। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा कुमारी संगठन द्वारा की गई पहल अपने आप में सराहनीय है। ब्रह्मा कुमारीज पालमपुर से प्रेम दीदी ने इस कार्यक्रम में सभी संतों का धन्यवाद किया और जनसमूह को अपना आशीर्वाद दिया। कितनी सुंदर बात, कहीं आग तो कहीं ज्वाला, ना जाने इस दुनिया का क्या होने वाला। रेले हम सब के लिए चिंतनीय विषय है कि चारों तरफ हर प्रकार की आग लगी हुई है। हमारा दायित्व तो ऐसे में बहुत बढ़ जाता है, केवल संतों का दायित्व तो नहीं, केवल मुट्ठी भर लोगों का दायित्व तो नहीं, लेकिन हम सब का दायित्व तो है इस आग को, इस ज्वाला को हम बुझाएं और चारों ओर शीतलता, हरियाली और खुशहाली लाएं। ये ना सोचें कि मुझ अकेले के करने से क्या होगा या मैं ही करूँगा, बाकी सब तो आग लगाने में लगे हुए हैं, तो फिर संसार का तो कुछ हो ही नहीं सकता। कतई ऐसा ना सोचें। याद रखें, एक बिल्डिंग में आग लगी हुई थी। एक छोटी सी चिड़िया अपनी चोंच में थोड़ा थोड़ा पानी लाती थी और डाल रही थी। किसी ने हंस के कहा कि तुम्हारी इस चोंच भर के पानी से, दो चार बूंद पानी से इमारत की जो आग है बुझ जाएगी क्या। चिड़िया ने बहुत पते की बात कही, दिल को छू लेने वाली बात कही। उसने कहा कि जब कभी इतिहास लिखा जाएगा कि इस बिल्डिंग में आग लगी थी, तो किन किन लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, उसमें मेरा भी नाम होगा। तो मैं केवल दृष्टा बनकर देख नहीं रही हूँ, लेकिन मैं प्रयास कर रही हूँ बुझाने का। यही प्रयास यदि हम सब मिलकर करेंगे, तो जो बात हमने शुरुआत में कही थी सहयोग की, शुभ भावना की, आए सहयोग दें विश्व को बेहतर बनाने में, श्रेष्ठ बनाने में, सुखद बनाने में, क्योंकि ये हमारा विश्व है, हमारा समाज है। और सचमुच सर्व के सहयोग से ही हम संसार को पुनः सुखमय बना पाएंगे। ज़रूर इस पर विचार कीजिएगा और एक कदम आगे बढ़ाइएगा। नमस्कार, ओम शांति।